चुनावी कार्यक्रम में बहरोड में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी विधानसभा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं बहरोड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे विधायक डॉ. जसवंत सिंह जी, उनके साथ हमारे पार्टी के पदाधिकारी देवेंद्र जी, भाई मोहित जी और अभी हमारी पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में प्रसिद्ध सीताराम जी, एडवोकेट बस्तीराम जी, एडवोकेट गोपाल जी, हमारे सुरेश जी, मैं किस सब कार्यकर्ताओं का नाम लूँ, बहन नीलम जी, बहन राजकुमार सानू जी, सभी कार्यकर्ताओं बहुत ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पे अब की बार 400 पार के लक्ष्य को उत्साह के साथ यहाँ पर आपके सामने प्रकट किया। उनका सबका उत्साह और प्रेम ये दर्शा रहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। मेरा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय अमित शाह जी, सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मुझे अलवर क्षेत्र से जनता की सेवा करने का यह अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अलवर के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जयराम से हमारे डॉक्टर जसवंत जी, हमारे रामेश जी, संजय शर्मा जी, जयराम जाटव जी, बन्नाराम मीणा जी, हमारे लोकसभा संयोजक संजय नरूका जी, हमारे दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष भाई उदय भाया जी और अशोक गुप्ता जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां से प्रतिनिधि के रूप में चुनने के लिए पार्टी आलाकमान के साथ बात की और मुझे बड़े अच्छे तरीके से वो सब इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि मैं 12 वर्षों से राजस्थान का सांसद रहा। अलवर के विकास के लिए हमारे सब स्थानीय नेताओं के निर्देश, डॉक्टर साहब का अभी कहना है कि 5 करोड़ केवल बहरोड़ में दिए, वैसे मैंने 20 करोड़ से ज्यादा भी अलवर के क्षेत्र के लिए अपने सभी लोगों के सहयोग से लगाए। उसका कारण है कि अलवर के साथ मेरा 40 सालों से भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक एक जुड़ाव रहा है और वो जुड़ाव मेरा भाईचारे का जुड़ाव है, मेरा अपनेपन का जुड़ाव है। मैं यहां पर यह भी आज मीडिया के सामने कहना चाहूंगा कि मैं आने वाले समय में अलवर का सांसद बनकर मैं पूरी तरीके से अपने सब साथियों के साथ मिलकर अलवर की सेवा करूं। केंद्र के जो भी अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट अलवर के लिए आ सकते हो, उन सारे प्रोजेक्ट के लिए मैं सबके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं मानता हूं कि बहरोड की ये जो धरती है, ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नौजवान बहुत आगे हैं और इसलिए बस्तीराम जी के अभी सुझाव पर, डॉक्टर साहब के सुझाव पर मैंने 30 लाख रुपये हाल ही में जो हमारा बालिका महाविद्यालय है वहाँ ही लाइब्रेरी के लिए। मेरे दिल में एक प्रोजेक्ट था कि आज़ादी के 75वें वर्ष में देश में मैं अपनी तरफ से 75 लाइब्रेरियों के लिए काम करूँ। अलवर में मैंने 57 विद्यालयों में केवल लाइब्रेरी और 22 विद्यालयों में कक्ष दिए ताकि भविष्य में अब जब मेरे को सांसद बनने का अवसर मिलेगा वो 75 लाइब्रेरियों को मैं संचालित भी करूँगा। ये मेरे हृदय की इच्छा है कि हमारे आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए शिक्षा केवल प्रोडक्ट बनने का विषय ना हो, हमारे नौजवान पीढ़ी में संस्कारों का विकास हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ऑरेटरी स्किल हो, लैंग्वेज पर उनकी कमांड हो, ग्रुप डिस्कशन हो, विभिन्न विषयों की जानकारी हो और वो दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है, हम ऐसे नौजवानों को खड़ा करने चाहते हैं जो डिजिटली कॉम्पिटेंट हो। मैं मानता हूं कि बहरोड की जनता ने जो मेरे को प्यार जताया मैं उनको तहे दिल से स्वीकार करता हूं। आज यहां पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है और मैं अपनी चुनावी यात्रा को शुरू करने से पहले मैंने अलवर में जब मैंने प्रवेश किया तो उस दिन बाबा मोहन राम के दर्शन
भर्तृहरि जी के दर्शन किए, वो मेरी देव दर्शन यात्रा थी। अभी मैंने रामगढ़, राजगढ़, अलवर ग्रामीण और आज भैरों, जो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, ये मेरी कार्यकर्ता दर्शन यात्रा है। क्योंकि मेरा मानना है कार्यकर्ता पार्टी की लीड है, मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही अपनी यात्रा करी है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ। ये कार्यकर्ता का भाव ही हमारी पार्टी में हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलूंगा और शाम को मैं अलवर में भी शहर के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। कल मैं किशनगढ़, उसके बाद मुंडावर और उसके बाद तिजारा। मैं ये अपने इस पूरे कार्यक्रम को 20 तारीख तक पूरा करूंगा और उसके बाद चुनावी दौरा होगा। सभी को साथ ला रहे हैं और अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। पूरा देश सवाल करता है कि भाजपा के पास हमारी वॉशिंग मशीन नहीं है। कुछ आपकी पार्टी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब वही नेता आज आपके, तो उनको किस चीज की गारंटी दी गई, क्या जांच आगे नहीं होगी उनके बोर्ड की? देखो, कानून तो अपना काम करता है, हम कोई कानूनी प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देते। जब तक किसी के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उसको दोषी नहीं माना जाता। उपाध्याय जी, जिस तरह बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, तो बीजेपी में आते हुए ईमानदार हो जाते हैं कि भ्रष्ट नेता भाजपा में आ गए? नहीं, भ्रष्ट नेता अभी एसओजी जेल में डाल रहे हैं, जो परीक्षा लीक करते हैं, और जो अगर कानून का तोड़ेगा तो उसके ऊपर काम, उसके ऊपर कार्यवाही होगी, लेकिन न्यायालय को तो अपना काम करने देना। नेता पार्टी में शामिल होगा, हम पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। कोई भी आरोप कहने से आरोप नहीं होता है, न्यायिक प्रक्रिया से सिर्फ। सर, कल डॉक्टर करण सिंह यादव ने भाजपा ज्वाइन करते ही एक आशंका व्यक्त की, बड़े नेताओं के सामने कहा कि हमें शरणार्थी मत बना देना, हमारा मान सम्मान करना, ये दल क्या कहता है उनका? डॉक्टर साहब ने, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब के द्वारा जो पार्टी को ज्वाइन किया गया, हमारे सीताराम जी के द्वारा जो पार्टी को ज्वाइन किया गया, हमारे बरडोद की चेयरमैन साहिबा के साथ जो पार्टी को ज्वाइन किया गया, हमारे जिला प्रमुख जी के द्वारा जो पार्टी को ज्वाइन किया गया, और इस बड़े परिवार में वो जो शामिल हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, लेकिन डॉक्टर साहब जानते थे कि कांग्रेस में जो है स्वाभिमानी, जो यहाँ के नेता है, जमीन से जुड़े हुए जो नेता है, धरती में और किसान परिवार से जो जुड़े हुए नेता है, उनके स्वाभिमान को तो कांग्रेस में टिकने नहीं दिया जाता है। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके सामने कहना चाहूँगा कि हमारे इस धरती पुत्र, जिन्होंने अपने जीवन में एक प्रख्यात सर्जन के रूप में नाम हासिल किया, सांसद बनकर के बेदाग रूप से छवि करी, आज जो कांग्रेस ने उनको, उनके कद को देखते हुए, कि कोई बड़ा नेता ना हो जाए, एक ही बड़ा नेता होना चाहिए, उसको देखते हुए उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन उससे बढ़कर के जब डॉक्टर साहब की मेरी भी बात हुई, तो उन्होंने कहा जो आज राष्ट्रवाद का काम भाजपा कर रही है, उसमें भाजपा को आगे बढ़ाना चाहिए। नगर पंचायत आरोप लग रहे थे उनके बीजेपी कार्यकर्ता लगा रहे थे, और डॉक्टर जसवंत ने कहा निश्चित रूप से जांच होगी और उसकी सजा मिलेगी, क्या अब वो बीजेपी में आ गया तो कुछ नहीं होगा? जांच होगी तभी तो कुछ मिलेगा, जांच होगी तो मिलेगी। सर, कल आपने कहा कि डॉक्टर करण सिंह यादव ने ये कहा कल, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि मुझे टिकट नहीं मिली कांग्रेस, इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ कांग्रेस से, तो क्या भाजपा उनको जयपुर ग्रामीण या राजस्थान में कैसे टिकट देने की बात कही? डॉक्टर साहब एक बहुत प्रतिष्ठित नेता है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े आयाम। किशनगढ़ पास का आपने एक गांव गोद ले रखा जोड़िया, उसमें आपने घोषणा की 3 लाख रुपए की, लेकिन अभी तक उनका मान है गांव का, इसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ। सारे पैसे मेरे जो दिए गए हैं और जो कार्यवाही है वो सब चल रहा है, और कहीं से कुछ एक साल हो गई, आपने मई में गोद लिया था, पूरी सारी कार्यवाही है वो आपको मैं पूरे दे पूरा जिला डार्क जोन से गुजरता है, ईआरसीपी को लेकर के आपके जितने